Dosto, session after session हम लोग चर्चा कर रहा है और Association of People of Asia दीदी का एक प्यारा ऑर्गेनाइजेशन था 1997 में Association of People का तैयार करने के लिए वो चिंता किया पहले तो हरिजन सेवक संघ में 1983 में दीदी आया और 83 का प्रेसिडेंट होने का बाद कुछ साल बाद में हम लोग देखा जे हरिजन सेवक संघ एक स्पेसिफिक काम कर रहा है एक स्पेसिफिक काम कर रहा है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स दीदी ने हम लोग को बोला क्या करना चाहिए तब हम लोग उस टाइम में जो दीदी का कोर ग्रुप था वी सेवन पीपल वी ऑर्गेनाइज्ड वी ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड ABRS अखिल भारत रचनात्मक समाज उसका जो जो फाउंडर मेंबर था सात आदमी में अभी हम लोग दो तीन ही है मैं लक्ष्मी भाई और केवल भूषण जी वो भी बहुत बीमार है बाकी चार आदमी अभी और नहीं है तो ABRS का करने का इच्छा था ज़्यादा आदमी को हाउ टू एम्ब्रेस मोर पीपल नॉट इन द नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ हरिजन सेवक संघ का नाम में सबको जुड़ना मुश्किल था लिमिटेड सोर्स भी है रिसोर्स भी है और यह है तो इसलिए ABRS फॉर्म हुआ ABRS का काम करते करते दीदी का चिंता हुआ जी इसको दीदी इसका पहले से ही शांति सेना के साथ जुड़ा था और शांति सेना में उनका बहुत बड़ा भूमिका था बिलमा जी का जो शांति सेना था तो दीदी इसमें सोचा जिसको पीस हारमोनी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम लोग कैसे करें तो वो भी चर्चा शुरू हुआ पहले तो थोड़ा बहुत डायलॉग होने लगा ये होने लगा दीदी का पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बहुत था विनोबा जी का कॉन्टैक्ट था गांधियन पीपल ऑल्सो नो दीदी देन शी थॉट वी शुड स्टार्ट एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया एशिया का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम लोग कर सके कैसे तो एशियन कंट्री में उनका चिंता था एक काम शुरुआत हुआ और उसका पीस APA का मीटिंग और इस सारे मीटिंग शुरू हुआ एक और 2000 साल में इन द ईयर 2000 सारे जनरल इंडियन जनरल्स एंड विदेशी जनरल पाकिस्तानी जनरल इस सबको लेकर कोलकाता में एक साउथ एशियन पीस मीट और ABRS में जिसमें हम लोग सारे साथी जुटा था तो इसका बाद से आस्ते आस्ते एसोसिएशन पीपल ऑफ एशिया का काम शुरू किया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा था बांग्लादेश में करने का इच्छा था दो तीन बार अटेम्प्ट भी लिया लेकिन वहाँ से आदमी आया हम लोग उस तरीके से बांग्लादेश में नहीं तो आस्ते आस्ते कोई कंट्री में इसका शाखा खुलने का कोशिश किया पाकिस्तान में काउंटर पार्ट हुआ है कुट्टी साहेब ने करामत अली ने और सारे बहुत सा एक काम किया तो ये काम दीदी जाने का साथ साथ पूरा ठप पड़ा था राममोहन भाई का बहुत इच्छा था दादा
आप इतना काम संभाल रहा है, एसोसिएशन ऑफ पीपल अपेक्षा को भी रिवाइव करिए और नया जोश से काम शुरू करिए। मैं बोला मेरा इतना शुमार नहीं होगा, बोला दीदी जैसा चेयरमैन था आप चेयरमैन होके एक कर दीजिए और एक कमेटी बना दीजिए और राम मोहन उसका दायित्व दिया। मैं विद इन शॉर्ट पीरियड आई थिंक इट इज़ अबाउट 1 ईयर और समथिंग ही स्टार्टेड वेरी गुड। ऑल द ईयर्स ही वाज आल्सो डूइंग दिस थिंग नॉट इन द नेम ऑफ दैट ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग बट विद इन दिस 1.5 ईयर ही स्टार्टेड एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया under my chairmanship is doing this thing. He told ye didi jaisa co-opt karke sabko rakha tha isme to elected nahi hai aap bhi co-opt kariye aur ek list bhi banaya iska koi state branch hamra mohan ko bola je mere sath consult karke kariye kashmir mein shonaulla bhai sokot ashai bhai bichu bhai ne ये काम संभालने के लिए बहुत ईगर था, बहुत इंटरेस्टेड भी था, तो हम लोग चर्चा करके वहाँ भी बनाए, आस्ते आस्ते इसको डेवलप करें। लेकिन राममोहन का कांस्टेंट जो काम है ये इसको मजबूत संगठन का रूप में अगले हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन इसमें हम लोग को सोच बीच के क्या क्या करना है, कुछ रेजोल्यूशन हम लोग ले ले और वो रेजोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बहुत दुखी होता है। तो इस सम्मेलन के बारे में जब हम रेजोल्यूशन लिया, दो बार इलेक्शन का टाइम था, दिल्ली असेंबली इलेक्शन ना कॉरपोरेशन इलेक्शन और दिस थोड़ा ये हुआ, तो इसमें हम लोग का थोड़ा दिल खराब लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो कर सकेगा मिनिमम एक काम कर सके, 1-2-3 पॉइंट ऐसा ले जिसमें हमारा दिलचस्पी, हम लोग का दिलचस्पी आए, हम लोग कर पाएगा और ये छोटा से एक सम्मेलन भी हम लोग कर सकता है एशिया पीपल ऑफ एशिया का। मोस्टली आज तो नेपाल से आया अरुण यादव जी आए यहाँ, अरुण यादव आप आइए स्टेज में, आइए आप स्टेज में आइए। अरुण यादव जी आए नेपाल से, वो एक ग्रुप है गांधीयन ग्रुप, बहुत दिन से हमसे जुड़ा है और वहाँ हमको बोला भी है। तो अरुण यादव भाई इंडोनेशिया से इंद्रो है, इंडोनेशिया से इंद्रो और ये बांग्लादेश से नव कुमार जी है। सारे जो भी है, बात है ये आज एक चीज है, भारत में जो हमारा गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन है और गांधीयन वर्कर्स भी है, गांधीयन जो ग्रुप है, हम सबको इकट्ठा करने लगा और ये जो इकट्ठा करने हैं तो इसको तो हम जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर पाएगा, लेकिन एशियन कंट्री को हम कैसे जुड़े। एशियन कंट्री का जुड़ने का भी हमारा एक बड़ा फैसला हुआ। ये फैसला मैं मेरा वर्ल्ड में नहीं लिया, आई हैव टेकन आप लोग का सपोर्ट में, जो विदेश में गांधी का काम कर रहा है वो सबको कैसे जुड़े। आई एम हैप्पी जे मेरा एक आह्वान में दूर दूर प्रांतों से, बाहर बाहर देश से भी थोड़ा अपना खर्चा करके, ओनली फॉर दिस पर्पस बांग्लादेश से 2 भाई आ गया, इंडोनेशिया से 6 भाई आ गया, नेपाल से आ गया, ऐसा कुछ लोकल एडजॉइनिंग कंट्री से आने लगा। तो अभी हमारा विश्वास हुआ एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया विल डेफिनेटली फॉर्म and definitely we will go a long way, definitely I believe it will be done. ek khali kashmir ka masla nahi hai, ek koi
इलाका का मसला नहीं है, ये मसला सारा दुनिया का। और पहले दुनिया के जाने का पहले एशियन कंट्री को साथ गांधी का विचार, दीदी का विचार, विनोबा जी का विचार में जो मिलजुल होता है उसको हम इकट्ठा करने का ये काम शुरू किया है। आप लोग का भरोसा में आप लोग इसको आगे ले जाइए। आई बिलीव राम मोहन इज डूइंग प्रॉपरली अंडर माई गाइडेंस। वॉट एवर ही इज डूइंग ही इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम मी। जब भी कुछ करना होता है दादा ऐसा मैसेज देगा, ऐसा पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट करेगा सारे। और राम मोहन जिस तरीके से काम शुरू किया है आई फुल्ली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड आई होप ये काम विद इन शॉर्ट पीरियड एशियन सब कंट्री में जितना गांधियन इंडिविजुअल और गांधियन ऑर्गेनाइजेशन है और दीदी का साथ जिसका जो रिश्ता है, एक चीज़ हम लोग सबसे नुकसान है हम सभी को, एक भी नहीं सबका, ये मेरा हम लोग के पास कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं है, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ये दीदी का जितना कॉन्टैक्ट लिस्ट था अचानक को कहाँ गुम हो गया, उन लोग से हम लोग जुड़ा था लेकिन फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई नहीं आए। तो इस सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट जुगाड़ करना और कनेक्ट करना, आजकल मोबाइल का दिन, उस टाइम में तो हम लोग टेलीफोन से बात करते ना, तो इस सारे कॉन्टैक्ट जुगाड़ करके राम मोहन स्टार्टेड।